हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज देख सकते हैं कि मेरे पास एक IGBT वेल्डिंग मशीन जो कि आर्क 200G मॉडल नंबर है इसका, वो आया हुआ है और कस्टमर का कहना है कि जब ये और कस्टमर के द्वारा खोला गया भी है दोस्तों, बिल्कुल इसी कंडीशन में आया था। देख सकते हैं ये नॉट भी नहीं था लगा हुआ। तो कस्टमर का कहना है कि दोस्तों ये वेल्डिंग करते करते जो है अचानक करंट जो आउटपुट होता है वो वेल्डिंग छोड़ना शुरू कर दिया और 3-4 बार छोड़ के जो है दोस्तों ये बंद हो गया। बंद हो गया करने का मतलब बिल्कुल भी वेल्डिंग नहीं कर रहा है। इसका डिस्प्ले तो आ रहा है लेकिन वेल्डिंग नहीं कर रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले इसका जो नट होता है दोस्तों वो हमने लगा लिया है। डायोड प्लेट पे जो डायोड वाला हीट सिंक पे जो नट होता है वो हमने लगा लिया। अब चलिए दोस्तों इसका हम लाइन सप्लाई देके देखते हैं। तो लाइन सप्लाई दोस्तों हमने यहाँ पे दे दिया है लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ना तो इसका OC LED जल रहा है, सिर्फ पावर वाला जो LED होता है वो जल रहा है। तो लगभग इसमें हमें 2 दिमाग लगाया लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने सबसे पहले जो है यहाँ पे हम आपको वोल्टेज चेक करके दिखा देते हैं। आउटपुट बिल्कुल भी आउटपुट नहीं दे रहा वोल्टेज, लेकिन डिस्प्ले इसका आ रहा, मशीन ऑन है, नो आउटपुट वोल्टेज, नो आउटपुट करंट, वेल्डिंग नहीं कर रहा ये मशीन। तो इसमें जो है हमने दोस्तों बहुत सारा दिमाग लगाया लेकिन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। हालाँकि इसका फॉल्ट जो है कंट्रोल कार्ड में ही था, तो कंट्रोल कार्ड में जो लगे हुए होते हैं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंट्रोल कार्ड में यहाँ पे 2 46 88 IC होता है और 1 35 25 IC होता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे इसका जो ये मेन LED था ये ग्लो कर रहा था, तो ये एरर वाला LED था। तो एरर वाला LED क्यों जल रहा है? तो सबसे पहले एरर वाला LED जलने के लिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा कारण हो सकता है, इसलिए सबसे पहले जो है इसका हम जो डायोड होता है, 4 यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं और 4 MOSFET IGBT लगा हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायोड को चेक कर लेते हैं। मशीन हमने यहाँ पे प्लग आउट कर लिया मशीन को। सबसे पहले हम यहाँ पे डायोड चेंज चेक कर रहे हैं इसका, एक साइड से चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये डायोड सही है, ये वाला चैनल वाला, और ये भी नहीं चल रहा, तो ये भी सही है दोस्तों, चारों डायोड इसका ओके है। और साथ ही इसका IGBT भी जो है दोस्तों वो भी ओके ही है, देख सकते हैं प्रोब को पलट के, इस पर भी नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा, जो ऊपर में 2 लगे हुए हैं दोस्तों सेम वही है, पूरा सेम वही कंडीशन बता रहा। एक साइड जब प्रोब को पलट देते हैं तो ये चल रहा, एक साइड से चलना चाहिए, एक साइड से नहीं चलना चाहिए। तो इसका चारों IGBT भी ओके है और चारों डायोड भी है दोस्तों वो भी ओके है इसका। तो इस सेक्शन में जो है दोस्तों इसका प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका हम दोस्तों ड्राइव जो वोल्टेज होता है दोस्तों ये वाला, इस वाला ट्रांसफार्मर पे जाता है, तो ड्राइव वोल्टेज भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे AC वोल्टेज होना चाहिए तकरीबन 25 से 30 वोल्ट, तो वो भी चेक कर लेते हैं। अब हम मशीन को पावर सप्लाई देते हैं, प्लग इन करते हैं, 160 देख सकते हैं डिस्प्ले आ गया है।
अब इसका जो है हम यहाँ पे ड्राइव वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार मीटर को एसी वाला रेंज पे रख के। जब तक यहाँ पे एसी वोल्टेज दोस्तों नहीं आएगा तब तक आपका जो आईजीबीटी है उसको ड्राइव वोल्टेज नहीं जाएगा, और ड्राइव वोल्टेज नहीं जाने के कारण आईजीबीटी ऑन नहीं होगा आपका। अभी फ़िलहाल जो है कंडीशन ये है कि ना तो इसको ड्राइव वोल्टेज जा रहा दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे डीसी वोल्टेज शो कर रहा है। जब हम इसका एक प्रोब को ग्राउंड पे दे के ग्राउंड ब्लैक प्रोब को और इस पर चेक करते हैं, सिर्फ ये वाला वोल्टेज शो कर रहा तकरीबन 30 वोल्ट के आसपास, 30 से 25 वोल्ट के आसपास। लेकिन वहाँ पे दो पॉइंट जहाँ पे आपको जहाँ से ट्रांसफार्मर को जो जाता है वोल्टेज वहाँ पे एसी वोल्टेज शो करना चाहिए। जब तक एसी वोल्टेज शो नहीं करेगा तब तक ये ड्राइव यहाँ पे नहीं बनेगा और उस ट्रांसफार्मर तक नहीं जाएगा जो कि वहाँ पे लगा हुआ रहता है। दो वायर लगे हुए होते हैं वो ड्राइव के लिए, मॉस्फेट के को ड्राइव करने के लिए वायर लगा हुआ रहता है जो कि ट्रांसफार्मर के थ्रू मॉस्फेट में ड्राइव जाता है। ये ब्लैक वाला वायर, दो वायर जो देख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे भी नहीं आ रहा, इस तरह का जो प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ भी। तो इसका समस्या का समाधान हम किस प्रकार करते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है, ये वाला आईसी 4688 है दोस्तों, दो लगा हुआ है, ये भी हमने दो चेंज करके देख लिया है, ये 3525 भी चेंज करके देख लिया, और साथ में दोस्तों ये 358 जो होता है यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हम खोल के आपको इसका नंबर कंफर्म करा लेते हैं। चलिए हम खोलते हैं, यहाँ पे दो आयरन की सहायता से हम यहाँ पे खोल रहे हैं, निकाल रहे हैं पीसीबी से, कंट्रोल कार्ड से। तो बहुत ही इजीली तरीके से हमने यहाँ पे खोल लिया और इसका नंबर जो है कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर है दोस्तों 258। और इसके बदले में दोस्तों हम यहाँ पे 358 लगा रहे हैं जो कि इसका इक्विवेलेंट में हम लगा सकते हैं। गूगल पे सर्च करके जो है इसका इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे निकाल लिया था। अब इसके बदले में 358 हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो मेन प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे ये था कि ये जो इसका जो एरर एलईडी था वो जल रहा था, लगातार ग्लो कर रहा था। तो ये ग्लो करने का मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट 358 को चेंज कीजिए। तो सबसे पहले इधर का जो आईजीबीटी होता है वो चेक करें, डायोड को चेक करें, उसके बाद ये 358 को एक बार चेक करके ज़रूर देख लें, क्योंकि ये 358 ही करंट को कंट्रोल करता है या एरर जो भी आता है दोस्तों इसी आईसी के थ्रू आता है। उसी प्रॉब्लम जो आता है दोस्तों नॉर्मली इसी कारण आता है, तो सबसे पहले इसे भी हमने यहाँ पे चेंज करना होता है। यदि आपके पास SMD नहीं है दोस्तों तो इसमें बड़ा वाला 358 IC भी होता है, वो भी लगा के आप चेक कर सकते हैं। अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे थोड़ा सा, चूँकि दोस्तों अपने पास ये वीडियो कोई भी बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और जैसा कि आप जानते ही हैं इसका वीडियो और भी अच्छी तरीके से मैं बना सकता था, लेकिन समय के अभाव के कारण थोड़ा सा, तो वीडियो बनाने का दोस्तों ये एक ही उद्देश्य है कि आप जो भी मेरे पास जानकारी है या आता है तो वो आप लोग के सामने शेयर करने का, बस इसको अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर लेना जो कि बिल्कुल मशीन में लगा हुआ ही है दोस्तों, इसे हमने मशीन से बाहर नहीं निकाला है बोर्ड को।
इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर लगा लिया है दोस्तों। अब दोस्तों देख सकते हैं कि हमने मीटर को एसी रेंज में सेट कर लिया है और मशीन में हम लाइन सप्लाई देते हैं, उसमें भी आपको ये देख सकते हैं कि तकरीबन 25 से 30 वोल्ट के आसपास जो है एसी वोल्टेज बन रहा है दोस्तों। ड्राइव जो है अपना बनना शुरू हो गया है और साथ ही इसका जो एलईडी है दोस्तों वो भी ग्लो करना बंद हो गया। जो एरर वाला एलईडी था दो, वो भी बंद हो गया है। तो जब भी एरर वाला एलईडी जलना ग्लो शुरू करेगा दोस्तों, तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपका जो है आउटपुट करंट नहीं देगा, बिल्कुल बंद कर देगा। तो हमने यहाँ पे एसी और डीसी दोनों वोल्टेज चेक कर लिया, इसका ड्राइव वोल्टेज भी चेक कर लिया, मशीन को हमने यहाँ पे लाइन सप्लाई दे दिया है। अब इसका आउटपुट जो वोल्टेज होता है दोस्तों वो चेक कर लेते हैं 250 के रेंज पे अपना मीटर लगा के। मीटर को 250 के डीसी वोल्टेज पे सेट कर लिया है, प्लस वाले टर्मिनल पे रेड प्रोब लगाना है और उसके बाद इस पर चेक करना है दोस्तों। देख सकते हैं कि तकरीबन 50 वोल्टेज के आसपास यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज जो है अपना शो कर रहा है। तो अब चलिए थोड़ा सा हल्का स्पार्क करके देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल स्पार्क भी कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं कि अपना मशीन जो है बिल्कुल ओके हो चुका है।